हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, चीज़ ब्रेड पकौड़ा। तो चीज़ ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। ये हमें चाहिए चीज़, दो हरी मिर्च कटी हुई और धनिया, और दो कलियां लहसुन की, एक कली अदरक की, और ब्रेड, सॉस और हरी चटनी और बेसन। आज हम बनाएंगे धनिया की चटनी, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा धनिया, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और उसके लिए छोटी सी 3-4 मिर्च। अभी इन सबको मैं डाल रही हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। ये मैंने डाल दिया इसमें। अभी मैं इसमें डाल दी हूँ आधे चम्मच से भी कम नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा इसमें डलेगा पानी, थोड़ा सा ही है बस। अभी इसे हम मिक्सर में घुमाएंगे। एक बार थोड़ा सा और घुमा लेती हूँ। देखिए जी, हमारी हरे धनिए की चटनी बनके तैयार हो गई है। अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये लीजिए, हमारी धनिए की चटनी बनके रेडी हो गई है। चलिए पहले बेसन का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन। इसमें मैं डालूंगी अभी 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच धनिया पाउडर का, आधा चम्मच ही गरम मसाला का, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च, जीरा 1 चम्मच, कसूरी मेथी। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ता और हरी मिर्च। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें लहसुन, फिर इसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक, अभी इन सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धीरे धीरे करके पानी। ये हमें एक घोल बना के तैयार करना है। ये अभी भी गाढ़ा लग रहा है, तो इसे हल्का सा पतला करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये लीजिए, ये घोल बन के रेडी हो गए। अभी ब्रेड की फिलिंग करते हैं। चलिए देखते हैं।
अभी इसे तलेंगे हम। ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया है अच्छे से, अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड। इसे धीरे से लेके इसमें डाल देंगे। ऐसे ही बाकी सारे भी ऐसे तल लेने हैं। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। दूसरा भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। बेसन में डिप किया। और डाल दिया। हमारे ब्रेड पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको ये काट के दिखा देती हूँ कैसे बने। ये लीजिए, ये हमारे चीज ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। चलिए अभी इसे प्लेट पे निकालते हैं, सजाते हैं अच्छे से। ये हमारा चीज़ पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। इस पर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। ये लीजिए, चीज़ ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है हरी चटनी के साथ। थैंक यू सो मच।